नागपूर मध्ये नवीन कर्करोग रुग्णालयाचं लोकार्पण करण्यात आलं। एक नवीन सुविधा मध्य भारतासाठी उपलब्ध झाली। सरसंघचालक मोहन भागवतांच्या हस्ते लोकार्पण झालं। मुख्यमंत्री शिंदे, फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री गडकरी ही उपस्थित होते। संपूर्ण मध्य भारतासाठी महत्त्वाचं कर्करोग रुग्णालय लोकांच्या सेवेत रुजू झालंय। विदर्भ मध्य प्रदेशातील रुग्णांची मोठी सोय। सरसंघचालक मोहन भागवत बोलतायत, थेट तिथेच आपण जाऊया। एक उत्तम प्रकल्प, समाज की आवश्यकता पूर्ण करने वाला प्रकल्प, मन की भावना से जिसको खड़ा किया गया है, ऐसा प्रकल्प यहां पर खड़ा हुआ है। और इसलिए आशीर्वाद इस शब्द का उपयोग किया गया, परंतु पहला शब्द मेरे मन में आता है शाबाश। संघ के स्वयंसेवक कुछ ऐसा जब काम करते हैं, मिलकर करते हैं, उत्तम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है वो संघ के स्वयंसेवक ही जाने। पटना में था तब, वहां पर एक विमान गिर गया बस्ती में ही आके। कुछ साल पहले की घटना याद आती होगी आप लोगों को। तो सीधा प्रभात शाखाओं को विकिरण देकर सबसे पहले वहां स्वयंसेवक पहुंचे। उन्होंने वहां सारी मदद की और इतना अच्छा काम किया कि बाद में शरद यादव जी मंत्री थे उस समय, नागरिक उड्डयन मंत्री, वो आए तुरंत। और वो ब्लैक बॉक्स की खोज चल रही थी तो वहां मिलिट्री के लोगों को उन्होंने बताया कि वो जो हैप पैंट पहन के आने वाले लोग हैं ना, उनको आप आने दो, क्योंकि उनके आने से ब्लैक बॉक्स जल्दी मिलेगा। तो ये सुनकर और उन्होंने जो काम किया उसको देखकर, मैं वहां था उस समय, तो मुझे बहुत कृतज्ञता का अनुभव हुआ। ऐसा ही आज मुझे लग रहा है।